बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब के वजारत सेहत मोहम्मद अल आबिद आली ने आज ख़बरदार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हालात कोरोना वायरस की वजह से बन रहे हैं और जो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और आज भी 900 से प्लस केसेस आए हैं, तो ये हालात अप्रैल 2020 की तरह मिलते जुलते लग रहे हैं। तो इस लिहाज से हमें ज़्यादा सख्त इकदाम करने होंगे और ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है इन दिनों भी, और मज़ीद केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि रियाज़ में सबसे ज़्यादा हमें केसेस नज़र आए हैं, और उन्होंने कहा जे आज कल जो केसेस आ रहे हैं वो रिकॉर्ड केसेस हैं और सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पिछले 7 माह के बाद। और इसी तरह ये जो है कोरोना की वबा है जो स्टार्ट में हमें आई थी, उसी तरह के आज कल भी केसेस नज़र आ रहे हैं। इन दिनों वबा के ख़तरात का शऊर उनसे निमटने के लिए उन्हें का आगाही बढ़ी है, और इसके बावजूद हर रोज़ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। अल आबिद अल आली ने कहा है कि तमाम मकामात पर भीड़ भी अफसोसनाक है, ये लापरवाही वबा के फैलने का बायस न बन जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन अय्याम के दौरान नाजुक केसेस भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि अप्रैल 2020 में सामने आए थे। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि फिल वक्त नए केसेस बढ़ जाने से तशवीनाक दौर से हम गुज़र रहे हैं, और उन्होंने मज़ीद कहा कि जो इतवार के रोज़ पिछले दारुल हुकूमत रियाज में जो केसेस आए थे रिकॉर्ड पर, वो सिर्फ 319 केसेस रियाज पे आए थे। इस लिहाज से उन्होंने खबरदार कर दिया है कि एक उन्होंने इशारा कर दिया है इस जानब के जिस तरह हमने पिछले साल यानी लॉकडाउन लगाया था और सख्त इकदाम किए थे, इस साल भी वो इकदाम हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिला दी है कि अवाम जो है एस ओ पीस पर ख्याल रखे, एस ओ पीस पर अमल करे, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आजकल भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।